रजबपुर के वार्ड नंबर 4 में तमांग में खड़े हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि महिलाएं हैंडपंप से पानी भर रही हैं, लेकिन वो पानी बड़ी मुश्किल से ही निकल रहा है। विदित हो कि जयजयपुर नगर पालिका में दो पानी की टंकियां स्वीकृत हो गई है, लेकिन वो अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इस विषय में सीएमओ से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा तहसील कार्यालय में स्वीकृति के लिए भेजा गया, लेकिन अब तक अप्रूवल होकर वहाँ से नहीं आया है। आइए महिलाओं से बात करते हैं कि उन्हें पानी को लेकर क्या वाकई में गहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती जो है गरीबों की बस्ती है, यहाँ सब जो है मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे में जीवन यापन के जो मूलभूत चीजें होती है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की आवश्यकता, पूरी गर्मी निकल गई, लेकिन पानी की व्यवस्था अब तक यहाँ नगर पालिका के द्वारा नहीं की गई है। तो यह समस्या, चूँकि बरसात आ गई है, लेकिन फिर भी यह समस्या जो है अब तक बनी हुई है। नगर पंचायत की तरफ से दो पानी टैंक की स्वीकृति हुई थी, जो नगर में गर्मी को देखते हुए बहुत आवश्यक थी, लेकिन अब तक ये निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाए सर, इसका क्या कारण है सर? जी, नगर पंचायत में ही ये सामूहिक रूप से जो स्वीकृति हुई है, एक खास नगरीय निकाय के लिए हुई थी, और इसके संबंध में हमको शक्ति नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी की तरफ से हमको बोला गया था कि यहाँ पे दो ओवर एक टैंक बनना है, जिसके संबंध में भूमि चिन्हांकन और भूमि सीमांकन के लिए हमने यहाँ पे माननीय तहसीलदार महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है, और उनके तरफ से अभी तक रिप्लाई नहीं आया है कि कहाँ कहाँ भूमि सीमांकन किया गया है। जैसे मिलता है तो उसके आवंटन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास प्रेषित किया जाता है। जी, थैंक यू सर। सर, जयजयपुर में जल आवरण योजना के तहत दो पानी टैंक बन रही थी, जिसका बताया जा रहा है नगर पंचायत की ओर से ऐसा बताया जा रहा है कि उसका सारा प्रोसेस हो गया है, और केवल जमीन चिन्हांकित तहसील की ओर से की जानी है, तो इसका क्या होगा सर? देखिए, जमीन चिन्हांकन हमने पटवारी के माध्यम से करा लिया है, लगभग 15 दिन पटवारियों की हड़ताल चल रही है, इस कारण से दस्तावेज हमारे दस्तक कार्य नहीं आ पाए हैं। जैसे दस्तावेज हमको प्राप्त होते हैं सीएमओ ऑफिस में, जैसे